A very good day to all the students of class 8. I am Padmini Lal, lecturer in English, Government Higher Secondary, Asanda. Let's read the lesson, Dear Daddy Long Legs, from your English book, class 8. Student, before going to start this lesson, here one question for you. Who do you think is Daddy Long Legs? Imagine and draw a picture of Daddy Long Legs. आपको आप क्या सोचते हैं डैडी लॉन्ग लेग्स के बारे में? इमेजिन कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए और एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए. किसका पिक्चर ड्रॉ करना है? डैडी लॉन्ग लेग्स का. यह कहानी है एक अनाथ बच्ची जिसका नाम है जेरुशा एबॉट, और वह बच्ची शिक्षा ग्रहण कर रही है एक अनजान व्यक्ति के द्वारा, एक बेनिफैक्टर के द्वारा. और वह रहती है कौन से आश्रम में? एक अनाथ आश्रम में जिसका नाम है जॉन ग्रायर होम. उस अनजान व्यक्ति की केवल एक ही शर्त है कि वह बच्ची जेरुशा एबॉट हमेशा उन्हें पत्र लिखे और अपनी शिक्षा के बारे में, अपने बारे में उन्हें बताए. यह कहानी आपको बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला है. यह कहानी जीन वेबस्टर के किताब से ली गई है, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स. तो शुरू करते हैं बच्चों. पहला पत्र जेरुशा एबॉट ने लिखा 11 फरवरी को. डियर DLL डैडी लॉन्ग लेग्स. अब ये लॉन्ग लेग्स का मतलब क्या है, इसे जान लेते हैं. बच्चों, जेरुशा एबॉट के बारे में तो आप जान ही गए हैं, लेकिन लॉन्ग लेग्स क्या है? जो अनजान व्यक्ति उसे उनकी शिक्षा में सहयोग कर रहे थे, उनको कभी भी जेरुशा एबॉट ने नहीं देखा था, लेकिन वह उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थी. उन्होंने देखा तो नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनकी परछाई देखी थी, जिसमें उन्होंने देखा उस व्यक्ति के लंबे पैर. और तभी से वो एक कल्पना, उन्होंने उस जेरुशा एबॉट ने कल्पना कर लिया कि वो व्यक्ति, उन्होंने नाम रख दिया उनका डैडी लॉन्ग लेग्स. तो चलिए शुरू करते हैं. डोंट बी इंसल्टेड बिकॉज दिस इज सो शॉर्ट. इट इजंट अ लेटर, इट इज जस्ट अ लाइन टू से दैट आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर प्रीटी सून when examinations are over. It is not only necessary that I pass, but pass well. I have a scholarship to live up to. Yours, studying hard, J.A. Don't be insulted. आप अपमानित महसूस ना करें. Because, क्योंकि this is so short. क्योंकि यह जो पत्र है वो बहुत ही छोटा है. It isn't a letter. यह पत्र नहीं है. It is just a line. यह केवल लाइन है to say, यह कहने के लिए, that I am going to write a letter. कि मैं आपको पत्र लिखने वाली हूँ. Pretty soon. बहुत ही जल्द. When examinations are over. जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी. Insulted means अपमानित होना. Pretty soon means बहुत जल्द. It is not only necessary that I pass. यह सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि मैं पास हो जाऊं, but pass well. पर मैं अच्छे से पास होना चाहती हूं. I have a scholarship. मेरे पास scholarship है. Scholarship means छात्रवृत्ति है. To live up, खरा उतरना चाहती हूं. Yours, studying hard, JA. आपकी मेहनत करने वाली JA. J.A. means जेरुशा एबॉट. यहाँ पे स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति. अब यह जो दूसरा पत्र है, ये लिखा गया है जेरुशा एबॉट के द्वारा December 19 को. किसको लिखा गया है? डियर डैडी लॉन्ग लेग्स को लिखा गया है. डियर डैडी लॉन्ग लेग मीन्स LL जो लिखा है उसका फुल फॉर्म लॉन्ग लेग्स है. यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू बाल्ड? I have it planned exactly what you look like, very satisfactory, until I reach the top of your head, and then I am stuck.
I can't decide whether you have a white hair or black hair or short of springy gray hair or maybe none at all. Here is your portrait. But the problem is, shall I add some hair? Would you like to know what color your eyes are? They are gray and your eyebrows are like a porch roof. And your mouth is a straight line with a tendency to turn down at the corner. Oh, you see, I know you are a snappy old thing with a temper. Jerusha Abbott. अब ये जो पत्र लिखा गया है 19 दिसंबर को लिखा गया है दूसरा पत्र. वो कहती हैं, यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन. वो उस अनजान व्यक्ति से डैडी लॉन्ग लेग्स को कहती हैं कि आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया. एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था. आर यू बाल्ड? क्या आप गंजे हैं? आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली वॉट यू लुक लाइक. मैंने एक योजना बनाई है कि आप कैसे दिखते हैं. वेरी सेटिस्फैक्टरीली, बहुत ही संतोषजनक ढंग से. अनटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड. और वह तब तक संतोषजनक था जब तक मैं आपके सिर तक नहीं पहुंची थी, आपके सर के ऊपर तक नहीं पहुंची थी. एंड देन आई एम स्टक. और फिर वहीं पर मैं रुक गई. आई कांट डिसाइड. मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ वेदर यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर, कि क्या आपके सफ़ेद बाल हैं या काले बाल हैं, और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंगी ग्रे हेयर या फिर किसी प्रकार के घुंघराले बाल हैं, और मे बी नन एट ऑल या फिर है ही नहीं. हेयर इज योर पोर्ट्रेट. स्प्रिंगी मीन्स उछालदार, लचीला. पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर. बट द प्रॉब्लम इज, पर समस्या ये है कि शैल आई एड सम हेयर, कि मैं क्या कुछ बाल जोड़ दूँ उस चित्र में, क्या मैं कुछ बाल लगा दूँ. वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं वॉट कलर योर आइज आर, कि आपके आंखों का रंग कैसा है. दे आर ग्रे. वह ग्रे रंग की है, वह सलेटी रंग की है. एंड योर आईब्रोज आर लाइक अ पोर्च रूफ. और आपके आईब्रोज कैसे हैं? आपके आईब्रोज मतलब आईब्रोज आप सब जानते हैं, लाइक अ पोर्च रूफ. वो किसकी तरह है? पोर्च यानी बरामदा, रूफ मीन्स छत. वो इतने घने हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे पोर्च का, बरामदे का छत हो. एंड योर माउथ, और आपका मुंह इज अ स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल सीधी लकीर की तरह है. विद अ टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, और उनमें प्रवृत्ति है टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर, कि वह कोने से झुक जाए. ओ यू सी, और आपने देखा, आई नो यू आर अ स्नैपी ओल्ड थिंग विथ अ टेम्पर. आई नो यू आर अ स्नैपी. मैं जानती हूँ आप स्नैपी हैं, मीन्स फुर्तीले हैं. ओल्ड थिंग, पर बूढ़े भी हैं. विथ अ टेम्पर, और गुस्सेल भी. ये लिखा है पत्र जेरुसा अबॉट. पोर्च रूफ मीन्स बरामदे की छत. टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति. अब तीसरा पत्र लिखा गया 9 जून को. डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, हैप्पी डे. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय लास्ट एग्जामिनेशन फिजियोलॉजी एंड नाउ 3 मंथ्स ऑन अ फार्म. I don't know what kind of a thing a farm is. I have never been on one in my life. I have never ever looked at one, except from the car window. But I know I am going to love it, and I am going to love being free. I am not used to being outside the John Brier home. Whenever I think of it, excited little thrills chase up and down my back. I feel as though I must run faster and faster and keep looking after my shoulder to make sure that Mrs. Lippitt is not after me with her arm stretched out to grab me back. Your with love, Jerusha Abbott. जीन वेबस्टर. हैप्पी डे, शुभ दिन.
आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लास्ट एग्जामिनेशन फिजियोलॉजी. आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी फिनिश किया है, समाप्त किया है माई लास्ट एग्जामिनेशन, अपनी मेरी आखिरी परीक्षा जो किसकी है, फिजियोलॉजी की है, शरीर क्रिया विज्ञान की. एंड नाउ, और अब 3 months ऑन फार्म, और मैं अपना 3 महीना फार्म में बिताना चाहती हूँ. फार्म मीन्स खेत में. आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ अ थिंग अ फार्म इज. मैं नहीं जानती कि फार्म किस प्रकार की चीज़ होती है. आई हैव नेवर बीन ऑन वन इन माई लाइफ. मैं इस प्रकार के किसी एक खेत में भी अपने जीवन काल में नहीं गई. आई हैव नेवर एवर लुक्ड एट वन. मैंने ऐसा एक भी खेत नहीं देखा एक्सेप्ट फ्रॉम द कार विंडो. कार विंडो से छोड़ के, मतलब जब भी मैं, मुझे सैर पे ले जाया जाता, कार में बैठकर मैं बाहर की ओर देखती थी खेत को, बस उतना ही मैंने देखा. बट आई नो, पर मैं जानती हूँ, आई एम गोइंग टू लव इट, कि मैं बहुत पसंद करने वाली हूँ इसे. एंड आई एम गोइंग टू लव बींग फ्री, और मैं स्वतंत्र होने पर भी बहुत खुश होने वाली हूँ. आई एम नॉट यूज टू बींग आउटसाइड द जॉन ग्रायर होम. मैं कभी भी जॉन ग्रायर होम्स के बाहर नहीं गई. वेन एवर आई थिंक ऑफ इट, और जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, एक्साइटेड लिटिल थ्रिल चेज अप. एक्साइटेड मीन्स उत्साहित. मैं बहुत उत्साहित हो जाती हूँ, और यह जो लिटिल थ्रिल है, जो रोमांच है, यह मेरा पीछा करती है. चेज अप एंड डाउन माई बैक, मेरे पीछे पीछे रहती है. मतलब हमेशा मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भर जाती हूँ. आई फील एज दो, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आई मस्ट रन फास्टर एंड फास्टर, कि मुझे दौड़ना चाहिए. फास्टर मीन्स तेज और तेज. एंड कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर, और पीछे देखते रहना चाहिए अपने शोल्डर मीन्स अपने कंधे के पीछे. टू मेक श्योर दैट, यह निश्चित करने के लिए कि मिसेस लिपिट इज नॉट आफ्टर मी. कहीं मिसेस लिपिट मेरा पीछा तो नहीं कर रही. विथ हर आर्म स्ट्रेच्ड आउट, अपनी बाहों को फैलाए हुए. टू ग्रैब मी बैक, मुझे पकड़ कर वापस ले जाने के लिए. योर्स विथ लव, जेरुशा एबॉट. आपकी प्यार के साथ, जेरुशा एबॉट. उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इससे इंस्पायर जरूर हुए होंगे. चलिए बच्चों, इसके कुछ असेसमेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. जे ए इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए जेरुशा एंड अबॉट, ऑप्शन बी जेरुशा अबॉट, ऑप्शन सी जीन अबॉट, ऑप्शन डी जीन एल जेरुशा. जी हाँ बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जेरुशा अबॉट. जेरुशा अबॉट इज ऑप्शन ए अ बाल्ड मैन, ऑप्शन बी अ नॉटी बॉय, ऑप्शन सी एन ऑर्फन स्टूडेंट, ऑप्शन डी अ फॉर्म गर्ल. जेरुशा अबॉट कौन है? जी हाँ बच्चों, एन ऑर्फन स्टूडेंट. मिसेस लिपिट मे बी ऑप्शन ए जेरुशाज मदर, ऑप्शन बी इन चार्ज ऑफ जॉन ग्रायर होम, ऑप्शन सी टीचर ऑफ जेरुशा, ऑप्शन डी वाइफ ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स. जी हाँ बच्चों, मिसेस लिपिट कौन है, क्या हो सकती है वो? इन चार्ज ऑफ जॉन ग्रायर होम, ऑप्शन बी. आर यू बाल्ड इज रिटन टू, ये जो लाइन है ये किसके लिए लिखी गया है, किसके लिए प्रश्न पूछा गया है, कि तुम गंजे हो क्या? ऑप्शन ए जॉन ग्रायर, ऑप्शन बी मिसेस लिपिट, ऑप्शन सी डैडी लॉन्ग लेग्स, ऑप्शन डी जेरुशा अबॉट. जी हाँ बच्चों, यह लिखा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है डैडी लॉन्ग लेग्स के लिए. तो बच्चों, कुछ ग्रामर के पोर्शन को देख लेते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं गोइंग टू का स्ट्रक्चर. गोइंग टू इज नॉट अ टेंस. गोइंग टू कोई टेंस नहीं है, किसी काल ने कोई काल में नहीं आता. आपने पढ़ा होगा ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ये किसी भी टेंस का टेंस नहीं है. ये इट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, यह एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है. दैट वी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर के वाक्यों के लिए,
जिसे हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर के वाक्यों को बोलने के लिए। चलिए देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ गोइंग टू इज सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट आप जानते हैं कर्ता, बी फॉर्म क्या होता है इज एम आर, ये होना, बी मतलब होना। गोइंग प्लस टू, गोइंग के साथ आपको टू लगाना होता है, टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम टू का प्रयोग करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमें उसके साथ इस्तेमाल करना है। तो आइए कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। यहां पे क्या अर्थ हुआ इसका, मैं नया कार खरीदने जा रही हूं। ही इज नॉट गोइंग टू टेक द एग्जाम। अब इसमें आप नॉट का प्रयोग करते भी वाक्य बना सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें बी फॉर्म के साथ इज एम आर के साथ नॉट लगा देना है। तो वह कैसा हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू टेक द एग्जाम, वह एग्जाम नहीं लेने जा रही है। इट इजंट गोइंग टू रेन, वर्षा नहीं होने वाली है। आर यू गोइंग टू पेंट द हाउस, क्या तुम हाउस को, घर को पेंट करने जा रहे हो। तो बच्चों आपने देखा ये कैसे गोइंग टू का जो स्ट्रक्चर है वो हम वाक्य में कैसे प्रयोग करें। अब आती है बच्चों आपके होम असाइनमेंट की बारी, आपके होमवर्क की बारी। फ्रेम फाइव सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग गोइंग टू। आपको पांच वाक्य खुद से बनाने हैं गोइंग टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। धन्यवाद।